हस्तर का के घर बेकार जाना। बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं आग ही आग, आग ही आग। प्रधान की चियाचट उर्फ ममता से बली डाकू मंगला। ठाकुर साहब क्या कहना चाहते हैं? जाना चाहते हो? ममता जाने मैं सुनो और मेरे दिल की जब से देखा और जब से देखा हो तुझे भूले ना दिल रहा। जब से देखा हो तुझे भूलना दिल ठाकुर साहब इतरा ठाकुर साहब इतरा और करो न हम सखुन आप दे इतरा सखुन आप दे इतरा और सुने न हमसे शकुन तुमको अच्छे नहीं लग रहे? ऐसी बात क्यों करते हो? क्यों और कैसी बात कर रहे? तुम्हें देखते ही देखते तुमसे प्यार हो गया मेरी जान। मेरी जान ममता मेरी जान ममता मेरे पास आओ।
वो कमीने और कहा मान जा करवा
आज तुम हो बहुत जम रहे हो। हाँ। बहुत नेक लागत हो। अरे हमको प्यार की नजर से देखो बाबा, ये साली मान ही नहीं रही है। देख प्यार की नजर से देखो मेरी जान, हम बिल्कुल गुलशन ग्रोवर लग रहे हैं। गुलशन ग्रोवर नहीं, तुम बिल्कुल द्वीप चमार लाग रहे हो। नहीं गुलशन ग्रोवर नहीं, तुम बिल्कुल गोबर लग रहे हो। हाँ भैंसे का। तुम जो कुछ कहो वो हमको अच्छा लगता है। ये लड़की नहीं, ये लड़की नहीं समझ लो, फूल और बूटा है। ये नहीं, ये लड़की नहीं समझ लो, फूल और बूटा है। और तनी अपन मुंह देख लो, बिल्कुल लागा चमर उठा जूता है। अब तुम कोई सर मत बोलना, जाओ। ये लड़की नहीं, ये लड़की नहीं समझ लो, बिल्कुल कबूतर है। ये लड़की नहीं समझ लो, बिल्कुल कबूतर है। अब अपना मुंह देख लो, बिल्कुल कुतवा के चूतर है। हम इतने खूबसूरत और साले बता रहे हो कि कुतवा के चूतर हो, जो या ना निकला गए चलो बुधवार जरा सोचिए। और तुम्हारे मुंह पर लाग है नाक, जरा उसको पूछिए। मुंह के ऊपर देखो, हमारे मुंह के ऊपर ना कहे, तुम्हारे मुंह के ऊपर का थू तुम्हारे नहीं लगी। देखो साले पकड़ के देखो, मार मारे लागे रे बाबा बाबा, मार पिराई लागे दी। चलो निकलो निकलो साले, हमको अपना काम करने दो। जान लियो तुम्हारी हवेली में हम बढ़िया कट रही है, तुम्हारे वहां दादा ठाकुर की हम बढ़िया कट रही है। और समझ लियो यहाँ धीरे धीरे बिटिया तुमसे पट रही है, पट रही है। अब जब देखो तुम हमको गड़क देते हो और बिटिया से बोले फट रही है। मेरे यार मैं तुमको समझा रही हूँ, मुझे जाने दो। हम खुद इतना समझदार हैं, समझाओ मत। हम तुम जैसे जब एटम बम जवानी देख लेते हैं तो हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। दादा जवानी न सवारों ने भगवान से, तुम्हारी जवानी फाली से गिरी। भाई कोई बात नहीं है, हम हैया हैया कर ले, उसके बाद चाहे फाली गिरे जाए जो कुछ हो। इधर आओ। ओ दीवानी ओ मस्तानी, ऐसी जगह ला तुम्हारी में हरमियों और मेहरों काबिल ले रही। सही बताओ, हैया हैया कर ले, उसके बाद चाहे उनका बधिया कर ले। ओ दीवानी ओ मस्तानी, एटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया है, ढूंढ ले कोई सवंदा। Oh, yeah.
है पिछवाड़ा हमें इतना मटक मटक कर रहे हैं? हम सामने देवल का डांस दिखा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? हमको डांस समझ नहीं है, चले जाते तुम्हारा सनी देवल का नहीं चले, मैं तुमको समझा रहे हूँ, चले जाइए यहाँ से। अब हम तुम्हारे साथ में हया हया करेंगे। खाली मुनी गड़े ही दिखावट है, हम जब देखो जब छोटे बनावा करते हो। चलो चलो जल्दी, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल साहब से करूंगी। क्या करेगा जिस दिन वो हमारे स्थान में आएगा शिकायत कर ले, उस दिन गोली मारने का साले को, समझ गए? साली बदमाश कहीं की, साली छराहटा, अपने रूप पर घमंड करती हो आज तुम। मैं तुम्हारी शिकायत अपने पिता से करूंगी। उसके लाठी खोद देंगे पिछवाड़े और किसको, क्योंकि हम बहुत हतमी आदमी है। कौन आएगा? ठाकुर विजय सिंह जहाँ होता है वहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते हैं, इंसान तो बात दूर की है। हमको जाने दो। और एक गुमनाम से आ गए हमारे भाई साहब, उनका कहना है मत छेड़ो लड़की को पाप होगा, और एक दिन तू भी किसी लड़की का बाप होगा। हम बाप नहीं बनेंगे क्योंकि हम शादी ही नहीं करेंगे। अच्छा तुम निर्बल सर नहीं भैया, हमका बचा लो। और इसे छोड़कर दूर हट ओ पाजी इससे। इसे छोड़कर दूर हट ओ पाजी शैतान, और हर कर तेरी देख कर पलट रहा है मौत। और बड़ा तो काटा राह का और बिगड़ा मेरा उसका। बड़ा तो काटा राह का और बिगड़ा मेरा काम, और चोरो का तुझको नहीं और कर तू काम तमाम। तो जब ये राजी और नहीं सारे को छेड़ता जन्नत, छेड़ता क्या तेरे घर में है बहन भाई नहीं, ऐसी हरकत दोबारा। और अगर चेह किया जिंदा छोड़ूंगा तुझको भाई नहीं। दे चुना को लगा मैं अपने बेस्ट्रम दे चुना, अपने बेस्ट्रम बना अंजाम इसका पूरा पाएगा। मार दूंगा कभी नहीं और तुझे जान से जीते मुल्क के आदम की हवा खाएगा। क्यों डरो चल और जाने से मैं क्यों डरो और जाने से मैं बेहया। हाँ तेरी पेड़ी मर्दों का सिंगार है, मार के जाऊंगा और या तो मर जाऊंगा और जंग में हार जाऊं तो बस चला जा वरना मौत के घर कर दूंगा तुझे। अरे मौत की धमकी किसे दे रहा है, क्योंकि मौत को तकिया और चादर को कफन समझकर ओढ़ता हूँ मैं। शेर का मुकाबला कुत्ते नहीं किया करते रंजन, शेर की खाल पहनने से कोई भी इंसान शेर नहीं बन जाता है। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। पानी चाहे जितना भी क्यों ना खोल जाए लेकिन उसमें से चिंगारियां नहीं निकलती। चला जा वरना बांध टूटने के बाद जो पानी का बहाव निकलता है। मैं कहता हूँ तू चला जा यहाँ से, वरना इससे पहले मैं तेरी जिंदगी पर मौत की मोहर लगा दूंगा। अबे तूने मेरा चेहरे की मुस्कुराहट देखी है, माथे पल पड़ा हुआ पल नहीं जो जिंदगी की खेती पर मौत का हल चला देते हैं। मैं तेरी मुस्कुराहट भी देख लूंगा और तेरे माथे पर पड़े हुए पल भी। हराम जादे इससे पहले मैं वो मार मारूंगा कि दर्द भी जख्म तराश करेगा कि मैं कहां से निकलूं। टांग पे टांग रखकर चीर दूंगा, कनपटी से कान नोच लूंगा। तुम बहुत अच्छे खानदान के हो, तुम्हारा बाप पी के राठौर हमारा खास दोस्त है, बहुत अच्छा आदमी है वो, और तुम उसी के लड़के हमारे बीच में टांग अड़ा रहे हो। हमारे बीच में कोई टोके रोके टांग अड़ाए हम उसको जीवित नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जैसा तू कर रहा था ये रंजीत अपने जीते जी ऐसा होने नहीं देगा। होने नहीं दोगे?
बिल्कुल नहीं हूँ। अरे ये जवानी की भरे घूम रही, जवानी सूखी जा रही। अब चुप, अपनी जुबान को लगाम दे और चला जा यहाँ से। इससे पहले मैं पूरा हाथ कर दूंगा। अब देख तेरी आंखों के सामने इसके साथ में हम हया करेंगे। नहीं, मैं कहता हूं मेरी बात मान ले, भला इसी में है, और चला जाए यहां से। अच्छा। देर मत कर, हम चले जाएं। और नहीं जाने का क्या क्या करेगा, करोगे भैया हमरा? देखता हूं यहां के जमींदार है, देखता हूं इस लड़की के तू हाथ कैसे लगाता है। हाँ। हाँ मैं बचाऊंगा। असल बाप की औलाद है, मेरे बाप तक मत जा विजय सिंह। बाप तक हूँ, खानदान तक कहाँ पहुँचा हूँ। हम बहुत हरामी आदमी हैं, समझ गए? अगर बहुत हरामी, हाँ हरामी नहीं है, मादर चोद भी बहुत है। सुन, अगर अपने असल बाप की औलाद है, अरे ये सिर से बचा, इसे इस शेर से ये शिकार छीन कर ले जाओ। नहीं विजय सिंह, वाकई में बहुत कमीना है। हाँ। और जो प्रधान है दादा ठाकुर, वो तो बहुत हरामी है, उसी का तो ये, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है, उन्हीं के साथ ये रहता, शराब पीता, हमेशा मस्ती करता है, गुंडागर्दी करता है, ये प्रधान का दोस्त है। हाँ चलो मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। वही पर साले दे देते तो हम साले को वही पर गोली मार देते। लेकिन नहीं बॉडीगार्ड, नहीं संजय सर, तूने विजय सिंह के हाथ से शिकार छीना है, एक शेर के मुंह से शिकार छीना है। अरे मैं तेरी जिंदगी को आग ना लगा दिया तो मेरा नाम ठाकुर विजय सिंह है। वो हमको पटक रहा था, तुम लोग ताली बजा रहे थे, उड़ जाइए, सब लोग उड़ जाओगे, समझ गए? हम ताली बजा लो, खामोश इसलिए हैं क्योंकि सर पर हमने चुनाव है। हाँ, वरना ये गेम को मौत के खाब कर देता। और बाबा तुमको बहुत मजा आ रहा है, हम लौंडिया के साथ हया हया नहीं कर पाए तो तुमको मजा आ रहा है। किसी दिन औरत और लौंडिया नहीं मिली तो बाबा तुमको पकड़ कर हया हया कर देंगे हम, समझ गए? हाँ। सब लोग जाओगे। ताली बजाओ और जोर से बजाओ। हाँ अरे ताली बजाना जानते हो किसका काम होता है? ताली बजाना किसका काम होता है? हिजड़न का। बजाओ ताली, बजाओ, आपका सांप सुन गया। ऐसे नर्क, वरना सारे इलाके के सियार सब यहीं पर आ जाएंगे।
तो तुम कॉलेज चली जाओ और मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ। अब क्या जाऊंगी, देखो गेट बंद हो चुका है, अब अंदर एंट्री नहीं होगी। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आज ही एडमिशन करवाना था वो भी। अरे तो घर वापस चली जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे पिताजी से मिलना है और मेरे पिताजी मानपुर थाने में ड्यूटी करते हैं, आज घर पे नहीं आए इसलिए मुझे थाने में जाना पड़ेगा और पिताजी से मिलना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम घर वापस चले जाओ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात करना? हाँ। इसका मतलब कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ। लेकिन क्या कहना चाहती हूँ? आपका शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकी और आप जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? अरे शुक्रिया की क्या बात है, बोलो कुछ कहना चाहते हो जल्दी से कहो, मुझे देर हो रही है। और किया आपने मुझ पे एहसान भाई,